हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आई हूँ आज 1 अक्टूबर 2024 और आज यहाँ पे गुड़ियारी में माँ कुमारी माता आई है कातरों से, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों की पब्लिक भीड़ होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, तब तक के लिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मेरे पिछले वीडियो से, बारी बारी से घर घर पे माता रानी जा रही है। अब उसके बाद में जहाँ पे पंडाल पे माता का स्वागत होने वाला है, प्रभात फेरी निकलने वाला है, शोभा यात्रा, उसके लिए इस मैदान पे आ गए हैं। और इस गाड़ी में माता रानी आने वाली है, मतलब जो ऊपर आती है वैसा, और आरती पूजा भी यहाँ पे होंगे। तो शोभा यात्रा होता है तो सनरूप वाले गाड़ी में माता रानी फेरा लगाती है, उनका शोभा यात्रा निकलता है। अभी ये देखो, ये निकल गई कुंवारी माता, बोले कुंवारी माता की जय। अब इसी तरह पूरा भ्रमण करेंगे गली में, जिधर जिधर उन लोगों को लेके जाना होगा उधर ड्राइविंग कोई भैया कर रहे हैं। उसके बाद में बड़ी माता बैठी हुई है सामने में, और सनरूप से मैया निकल गई, और पीछे में और भी जो आए हैं कातरों से, उन लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग पैदल चलेंगे क्योंकि हमें करना है मेहनत, और मेहनत करके आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो अभी अब माता जी का होगा आरती पूजा, और आरती पूजा करने के बाद में ही गाड़ी के कदम को बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को आगे बढ़ाने से पहले पूजा किया जाता है। एक तो गणपति जी का नाम लिया जाता है, उसके बाद में शिव शक्ति का। तो उसी प्रकार यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी का पूजा किए, फिर कुंवारी माता का। बारी बारी से जिन लोग समिति वाले थे, जिन लोग मिल के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, करने का सोचे हैं, उन लोग बारी बारी से आरती पूजा हल्दी कुमकुम करने लगे। उसके बाद में यहाँ पे आज एक माता और है जो रायपुर से ही आई है, फिर उनका भी आरती पूजा करने का बाकी है। देखते रहेंगे वीडियो में, आपको इस कुंवारी माता के पीछे में ही आपको रायपुर वाली माता नज़र आएंगे, दर्शन आएंगे। अब यहाँ पे जो माता जी के सेवक हैं वो भी पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद में उस वाले गाड़ी में भी पूजा करने के लिए जाएंगे। उनका पूजा करते हुए तो नज़र मेरे को नहीं आया, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है कि उनके तक पहुंचते तक उनका पूजा समाप्त हो गया था। कोई बात नहीं, माता तो एक ही है, किसी का भी पूजा करते देख लो, दर्शन हो जाता है। अब उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ेंगे, और ऐसी बढ़ते बढ़ते जितना जहाँ जिस पंडाल के पास में देवी माँ की मूर्ति बिठानी है, जो अभी इन गाड़ियों के पीछे में वो प्रतिमा है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। उनको वहाँ पे पंडाल पे 9 दिन तक स्थापित करेंगे, तो वहाँ तक कुंवारी माता इसी तरीके से शोभा यात्रा के थ्रू से जाएंगे, और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए दर्शन देंगे। तो इधर जा रहे हैं वो वाली माता जी का पूजा करने के लिए, फिर उसके बाद में ये वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे जाना है। और रात अभी कम से कम में 8:30 बज रहा है। ये है रायपुर से आई हुई माता, तो इनका भी आप दर्शन कर लीजिए। इनका पूजा करते हुए का टाइम मेरे को नहीं मिल पाया, माफ़ करना। अब गली हो जाती है शॉर्टेज, पता है आपको, सिटियों में ऐसी शॉर्टेज जगह मिल जाती है, इस वजह से थोड़ा सा नाजुक रहता है। कोई ना, जैसे जैसे मैदान की तरफ जाएंगे आपको फ्री जगह मिलते जाएगा। अब आई यहाँ पे धुमाल नज़र आने लगी मेरे को, तो आप देख लीजिए। और अगर आप लोग इस धुमाल को जानते हो, या कोई आपके फ्रेंड या रिलेशन कोई भी धुमाल पार्टी में होंगे, जो बजा रहे होंगे और घुमा रहे होंगे छतरी, जो भी इस टीम पे होंगे, तो उनका नाम ज़रूर कमेंट्स कर देना।
यहाँ पे पूरी सबके यूनिफॉर्म वगैरह लगे हुए थे, अच्छे लग रहे थे, धमाल भी मस्त बज रहा था। फिर मैं पूरा इधर से आके आपको पूरा दिखाई हूँ झलक ना, क्योंकि भाई ये भी तो अपने पेट रोजी के लिए उन्हीं माता को स्मरण कर रहे हैं ना, तो आज वो भी आए हैं अपने लिए, तो उनका सो तो होना चाहिए ना। अब इतने बड़े गुड़ियाड़ी में माता जी का आगमन हुआ है और उसमें आपको धुमाल पार्टी का नाम नहीं पता तो क्या मतलब, इसीलिए इसका भी झलक मैं आपको दिखा दी। तो आप अगर इनको जानते होंगे तो बधाई जरूर दे देना कि आप माता रानी का दर्शन कर लिए और उनके लिए स्वागत किए हो करके। तो इस तरीके से रहा धुमाल पार्टी का टीम और बाजा साउंड और आपको झलक दिखा दी। तो बताओ कैसे लगा धुमाल पार्टी, जरूर बताना। अब चलते हैं माता की तरफ में, और इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं था। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले साल देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, लेकिन इस बार उतना भीड़ नहीं था। अब कारण क्या है ये तो सारे लोग जान गए हैं, ये रायपुर वाले हो या भिलाई वाले हो या कातरो वाले या कोई भी छत्तीसगढ़ वाले हो, सब जान गए हैं, क्योंकि हर चीज़ में गवर्नमेंट के थ्रू सरकार के थ्रू बैन लगा रहे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे सब भीड़ पब्लिक ख़त्म होते जा रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा गणेश पक्ष से डीजे में बैंड, धुमाल में बैंड, अभी तक वो सिलसिला चलते आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी बजा है, ठीक है, हमारी माता रानी का हो गया दर्शन। और यहाँ पे ये बॉडीगार्ड जो आए थे बाउंसर, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं एक बार पूछी सर को, सर आपकी हाइट, तो मेरे को 6 फीट 4 इंच बताए, और मैं तो उनके शोल्डर के नीचे तक आ रही थी, मैं उनके बराबरी में नापी। हालांकि जब मैं नाप रही थी तो मेरा और उनका वीडियो लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं गई उनके पास, पूछी और शोल्डर से ऐसे बराबर करी, तो मैं उनके शोल्डर से नीचे आ रही थी। हालांकि मेरी भी हाइट 5 फीट से ऊपर है, पर भी मैं उनके सामने एकदम छोटी सी लग रही थी, अच्छी हाइट थी। तो इस तरीके से परिचित हुआ उनसे, और ऐसे प्रभात फेरी में शोभा यात्रा में निकलते हैं माताएं तो अच्छी लगती है। अब उसके बाद में इधर सारे मोहल्ले के लोग, इधर के लोग, रायपुर वासियों लोग आ गए, और सब लोग, लड़की लड़के, छोटे बच्चे, लेडी, सब लोग मिल के डांस करने लगे अपने अपने तरीके से, अपने अपने धुन से, और उस डांस को आप देखते रहिए। चलिए भी दर्शन करने आ रहे थे। ये लड़का गिर गया था डांस करते करते, जिसको उठा रहे थे, मेरे ख्याल से वो कुछ गड़बड़ था, इस वजह से वो वैसे गिरते जा रहा था। अब दुकान वाले लोग अपनी अपनी दुकान से, जैसे एक दुकान वाले लोग चॉकलेट बांटे, दादाजी चॉकलेट लेके आए थे पूरा डिब्बा और बांटे, तो हम लोग घूमते घूमते चॉकलेट भी खाए। और इधर देखो कितने डांस चल रहे हैं, क्या आप लोगों को भी ऐसी डांस अच्छा लगता है? फिर उसके बाद में पानी भी बट रहा था, जैसे हम घूम रहे थे फेरे में शोभा यात्रा में, तो हमको चलते चलते प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है, तो उनके लिए पानी की सुविधा भी थी।
और रही बात रात था तो उतना ज़्यादा प्यास का टेंशन नहीं था पानी का, क्योंकि धूप के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा प्यास लगती है और ऐसे में फिर नहीं लगता। और हाँ, ऐसे डांस वगैरह करोगे तो लगना ही है भाई, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सब चीज़ लगेगी। लेकिन इन लोगों को ऐसे टाइम में कोई प्यास भूख याद नहीं आता। अगर नाचना है, डांस करना है तो उन लोग उसी में बिजी रहते हैं, अच्छी बात है। अब उसके बाद में ये हम करीब आ गए हैं पंडाल के, और आप सजावट देख सकते हैं, ये सब नवरात्रि में जब दुर्गा पंडाल लगता है तो उसी के सजावट पे है। दुर्गा रानी बैठती है, उनकी मूर्तियाँ जो बिठाते हैं ना, ये उन्हीं की सजावट है, अच्छी लग रही है। और आज आपको तो पता ही है 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर सन 2024 थोड़ी सी मेरे को लेट हो गई वीडियो डालने में, माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं पहले जो घर घर में माता रानी आप लोगों के घर में अतिथि बन के गई है, उनका वीडियो को पहले दिखाते गई हूँ, पहले किनके यहाँ गई, फिर उनके किसके यहाँ गई, फिर उसके बाद किनके यहाँ, उसके बाद में आपको ये प्रभात फेरी का, शोभा यात्रा का, मैदान का मिल रहा है वीडियो। तो बारी बारी से अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना और माता रानी के दर्शन कर लेना। झूम लेते हैं, नाच लेते हैं, उसके बाद में कई गाने ऐसे चलते हैं जिसमें किसी किसी को देवी आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम लग जाता है थोड़ा सा डर। क्यों? क्योंकि कई लोग को जब देवी आता है तो मोबाइल कैमरा फेंक देते हैं, और कई लोग ऐसे कुछ नहीं बोलते, मगर अच्छा भी नहीं लगता एकदम से उनका वीडियो बनाना, क्योंकि उन लोग होश में नहीं रहते। तो भाई, अब कैमरे में ऐसा तो नहीं है 4 लोग देखेंगे या 5 लोग देखेंगे, वो कहीं भी जा सकता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मैं उतना उन लोगों का वीडियो नहीं बनाई हूँ, माफ़ करना अगर आप लोगों को बुरा लगे तो। यहाँ पे कोई आए थे आरती पूजा करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, तो हार फूल दे दिए, आरती घुमा लिए, और माता जी को जो भेंट देना था वो भी दे लिए, और मैया जी भी आशीर्वाद उनको दे दिए। अब बताओ आपको कैसे लगी ऐसी शोभा यात्रा? एक बात बताऊं, इस बार गुड़ियारी के शोभा यात्रा में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। अब भीड़ नहीं था तो हमारे जो कातरों से गए थे, और भी जो भिलाई रायपुर से गए थे, जो माता जी के आइट साइड में रहते हैं, उन लोग इतने नाचने में मगन थे कि माता जी कहाँ पे है, क्या है, उनका भी उनको ख्याल नहीं था। बस हमें चिंता नहीं है करके उन लोग बिंदास छोड़ दिए थे और खुद मस्ती कर रहे थे। खैर छोड़ो, इस बार भीड़ नहीं था तो उनको मस्ती करने का मौका मिल गया। लेकिन अगली बार उम्मीद करती हूँ भीड़ आपका
4 गुना बढ़ जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ यार ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते क्रम में हर चीज़ रहना चाहिए, ना कि घटते क्रम में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा भीड़ दिखाने के लिए एक पानी टंकी के ऊपर चढ़ गई और चढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा भीड़ का नज़ारा दिखा ली। तो मेरे को यही बोले कि इस बार कुछ भी भीड़ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोग छतरी वाले लोग घूम घूम के पकड़ पकड़ के परेशान हो गए थे, पर उनका तो पेट रोजी है ना, पकड़ना तो पड़ेगा भाई। आज इसको पकड़ेंगे तो घर में अपने बच्चों को खिलाएंगे, ऐसा तो हर किसी के साथ में होता है। उसी प्रोग्राम में एक इंसान मौज मस्ती करता है और उसी प्रोग्राम में एक इंसान काम करता है। जैसे आज डीजे वाले धुमाल वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम और पब्लिक मौज मस्ती कर रहे हैं उनके धुन से। लेकिन कभी वो अगर घूमने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो वो किसी दूसरे चीज़ में मौज मस्ती करेंगे और वो मेहनत करेंगे। एक को कमाना, एक को खेलना, एक को काम करके खाना और एक को कमा के खाना, ये परंपरा हमेशा चलते आएगा। एक खुश रहेंगे तो एक दुख रहते हैं। जैसे कि हम किसी ड्यूटी पे जाते हैं, अदर अदर कास्ट के रहते हैं, कभी किसी को एक दिन छुट्टी लेना पड़ता है तो एक दिन को उस छुट्टी में अपने मन को मारना पड़ता है कि आज उसका त्यौहार है और मैं भी छुट्टी ले लूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, यानी मेरे को आज रहना ही पड़ेगा, आज उसका दिन है, जाने दे। इस कारण से एक को खुश रहना पड़ता है, एक को दुख रहना पड़ता है। अगर ये सब मेंटेन अगर करके चलते हैं तो ज़िंदगी उनकी हमेशा खुशी से भरा रहेगा। हालांकि लोग उससे चिढ़ते तो रहेंगे कि ये कभी किसी के पास में झुकते नहीं हैं, कभी किसी के काम पे आते नहीं हैं करके, लेकिन उनकी जो पेट रोजी की समस्या है वो हल होते जाएंगे। अब यहाँ पे जो देवी माँ की प्रतिमा है, माँ दंतेश्वरी मूर्ति में आ रहे हैं, उसका भी मैं झलक आपको दिखाऊंगी। ये हमारी कुंवारी माता के बाद में, रायपुर वाली माता के बाद में ये वाला बाजा है, और मेरे को नहीं पता ये कौन सा बाजा है, गड़िया बाजा है, उड़िया बाजा है, मेरे को नहीं पता। तो ये बाजा है, उसके बाद में वो देवी माँ की मूर्ति जो प्रतिमा आ रही है स्थापित होने के लिए, उसका भी झलक को मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ना कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बाजा पता होगा ना तो मेरे को ज़रूर बता देना, कमेंट्स कर देना यार, मेरे को नहीं पता। देखो कितनी गेप गेप है, बिल्कुल भी भीड़ नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है। और एक बात बताऊँ, अगर आप समिति में काम कर रहे हो तो जितना ज़्यादा रस, जितना ज़्यादा भीड़, उतनी उन समिति के कार्यकर्ताओं को खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद होता है। हालांकि उस फंक्शन पे, उस कार्यक्रम में उन लोग इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये है वो प्रतिमा जो दंतेश्वरी मंदिर पंडाल पे बैठने वाली है, स्थापित होने वाली है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, ये है समिति वाले लोग जिनके थ्रू ये प्रोग्राम हुआ है। अब अभी भीड़ नहीं है तो इनके मन में एक अजीब सा दुविधा लग रहा, अरे यार इस बार भीड़ नहीं है, क्या हो गया, है ना। तो वही अगर जो कार्यकर्ता है लोग करा रहे हैं, उन लोग को भले अच्छा लगता है कि भीड़ बढ़े भीड़ बढ़े, हालांकि उनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, उनको एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता, उनको किसी के साथ में बैठ के 2 मिनट बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वही पल बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितनी ज़्यादा भीड़ उतनी ज़्यादा समिति वाले को खुशी मिलती है। तो इस बार तो इतना खाली था कि उन लोग खड़े हो के फ़ोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, क्योंकि कुछ रस ही नहीं था। और जो भी प्रोग्राम हो, जब तक रस नहीं रहता, भीड़ नहीं रहता, तब तक खुशी नहीं मिलती। ये हैं सारे मेंबर जो मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए हैं, करने का सोचे हैं और आज कर भी दिखाए हैं। तो सब लोग कर लेते हैं मौज मस्ती धूम धड़ाका यादगार के तौर पे। एक यही तो पल है जो हमेशा याद रहता है, कभी भी हम एक याद करेंगे कि इस साल के ईयर में ऐसा किए थे, क्योंकि हमारे पास
कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं रहती कि हम याद कर सकें, लेकिन हमारा जो फोटो है, वीडियो है, वो रहता है। तो वो जो पल है, वो जो मोमेंट हुआ रहता है, वो पूरा याद आ जाता है। और अगर दुख वाली बात है तो आँखों में आंसू आके नम हो जाते हैं, और वही अगर खुशी वाला पल रहता है तो फेस में ऑटोमेटिक वो मोमेंट को याद करके फेस ग्लो कर लेता है, चमक आ जाती है और स्माइल करने हो जाता है। जिसको सामने वाला देखेगा ना तो वो बोलेगा, क्या हुआ अचानक क्यों हंस रही है, क्या हुआ अचानक क्यों रो रही है, क्या हुआ तेरे फेस का चेहरा क्यों उड़ गया। ये एक मोमेंट है, किस चीज़ से, ये हमारा फोटो और वीडियो से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज की डेट में इतना सोशल मीडिया आगे बढ़ चुका है कि पूछो मत। ये सारे पब्लिक है जो माता जी के दर्शन के लिए और जो रैली निकली है उनके भीड़ बढ़ाने के लिए तो हैं, मगर साइड में खड़े हैं और रोड है खाली। भाई ऐसी कैसी हो गई इस बार की शोभा यात्रा, समझ से बाहर है। ऊपर से ये लाइट की वजह से ना थोड़ी सी सिर धमकने लगता है। हालांकि ये डीजे का लाइट, धुमाल का लाइट, ये सब ना अच्छा तो लगता है, शोभा बढ़ाता है, लेकिन ये सब ना नुकसान भी करता है। थोड़ी सी आंखों में दिक्कत होती है, साइन करता है, चमकता है, जिसके कारण से। अब आगे आप लोगों को बताती हूँ, इन लोग तो कर रहे हैं बड़े मस्ती, तो चलते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है उसको भी मैं बताऊँगी। अब यहाँ पे मैं आई ना तो अचानक ये दीदी जी को आ गया देवी, और मैं ज़्यादा क्लियर से नहीं बनाई वीडियो को, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों का दम से क्लियर बनाने का, लोगों तक का दिखाने का, क्योंकि घर परिवार वाले हैं, किनके घर में लोग अच्छा बोलते हैं, किनके घर में नहीं बोलते, किन्हीं के पति पसंद करते हैं, किन्हीं के सास ससुर पसंद करते हैं, नहीं करते, तो वो सबको सोच के बनाना पड़ता है। अब इधर आई तो एक ये है भैया जी, जिनको आया शेर की सवार। मतलब आप लोगों ने सोचा है ना, दुर्गा माँ शेर की सवार है और नवरात्रि तो पूरा नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है, तो इनको आया है शेर, बघुआ का सवार आया है, और वो सेम चार पैर शेर के जैसे चल रहे हैं, वैसे ही दौड़ा रहे हैं। और सुनने में आ रहा था कि ये वीडियो फ़ोन उनको नज़दीक आने से मना करते हैं और फेंक देते हैं करके। खैर हम नज़दीक नहीं गए हैं और हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना देखे भी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद में, कदम के बाद में, एक घर वाले लोग आए, पूजा पाठ किए, दर्शन किए, आशीर्वाद लिए और जो भेंट देना था उनको दिए। एक बात बता दूँ, जैसे कि माता जाती है, माता ये नहीं कहती मेरा आरती करो, मेरा पूजा करो, मेरे को ये चढ़ाओ, मेरे को वो चढ़ाओ, मेरे को ये दो, नहीं। ये एक श्रद्धा है, भक्ति है, साधना है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, लगता है कि मैं कुछ भेंट दे दूं, तो आप दो, लेकिन माता नहीं मांगती। मगर कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये कैसी माता है, पैसा ले रही है, ये कैसी माता है, पानी पी रही है, ये कैसी माता है, हंस रही है, ये कैसी माता है, ये यहाँ पे खाना खा रही है। अरे भाई, वो भी एक आम इंसान थी और है भी, लेकिन अब बन गई है जगत जननी माँ भवानी। तो ऐसा तो नहीं है पूरा उनके ऊपर 24 घंटा माता सवार रहती। वो खुद बोलती है कि मैं पूरा 24 घंटा नहीं रहता, कुछ पल ऐसा रहता है, कुछ घंटे ऐसे रहते हैं जिस टाइम पे सवार रहता है। तो भाई वो तो खाना खाएंगे ही ना, जीव है उनके अंदर भी, उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी कलेजा है, तो वो भी खाना खाएंगे, वो भी हंसेंगे, वो भी मारेंगे, वो भी दौड़ेंगे, वो भी मोबाइल चलाएंगे, वो भी खाना खाएंगे, सब चीज़ करेंगे। हम जो करते हैं वो भी करेंगे, बस इतना है। हमारे पास जो ममता नहीं है वो ममता उनके पास है, हमारे पास जो दिल नहीं है वो दिल उनके पास है, और हमारे पास जो शक्ति नहीं है वो शक्ति उनके पास है। और ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलता, कोई किसी जन्म का जो पुण्य है, पाप किए रहेंगे वो इस समय पुण्य कर रहे हैं, और अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने साधना का जो फल लिए हैं वो आज ग्रहण करके नाम कमाए हैं कुंवारी माता के नाम से। तो इनको लोग
बोलते हैं कि कई बार अब सोशल मीडिया में उनका तो आता है, तो कई लोग ऐसे हैं जो उनका लस्सी पीते हुए पानी पीते हुए वीडियो बना दिए और उसको डाल दिए सोशल मीडिया पे, तो उसको कमेंट्स आता है कि ये कैसी माता है, पानी पी रही है, ये कैसी माता है, ये खा रही है। तो यार एक अपना भी सोचो, जब आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो किस चीज़ को डालें और किस चीज़ को ना डालें। खैर छोड़ो, अपनी अपनी इच्छा, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली, माफ़ करना बुरा लगा होगा तो, मगर जो कमेंट्स आता है उसको मैं शेयर करी हूँ। तो बताइए आप लोगों को आज की गुड़ियारी की शोभा यात्रा कैसी लगी। और एक से बढ़कर एक देवी भी यहाँ पे खेलने लग गए थे, जिसको जो माता के लंगूर जी रहते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, उन लोग शांत कराते हैं। शांत कराने के बाद में जो भी रहता है, नारियल देना, तिलक लगाना, वो सब करते हैं। और उसके बाद में ये आया था, देखो उनके पूरे मोमेंट को देखो, पूरा मतलब जो शेर बघवा जो करते हैं वैसी टाइप में कर रहे थे। फिर अब आगे ज़्यादा देर नहीं बाकी है, पंडाल आने को है। लो भाई, फाइनली हमें जहाँ पे आना था हम वहाँ पे आ ही गए। यहाँ पे बना हुआ है माँ दंतेश्वरी का मंदिर, जो आप लोगों ने देखा होंगे दंतेवाड़ा में, जो लकड़ी लकड़ी वाला माँ दंतेश्वरी का मंदिर बना हुआ है, उसी रूप में यहाँ पे पंडाल को बनाए हैं। सेम टू सेम आपका पूरा लकड़ी से वही कलर पे पेंट हुआ है। उसी पंडाल पे माँ दंतेश्वरी का जो मूर्ति लाए हैं वो स्थापित होंगे। तो उससे पहले जो माता लोगों को आदर सत्कार से यात्रा में घुमा रहे हैं शोभा यात्रा में, उनको यहाँ पे बिठाएंगे और पूजा करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे, उसके बाद में प्रतिमा स्थापित होगी। तो अब माता लोगों को गाड़ियों से उतारेंगे, लेकिन भीड़ के वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है किस दरवाजे से मैया लोग को उतारें, किस दरवाजे से मैया लोग को घुसाएं, क्योंकि पब्लिक इतनी मतलब झूम उठती है माता के पास में कि खतरा सा हो जाता है। और आप लोगों को तो पता है मैया हैं गुड़, हम हैं मक्खी, हम हैं चींटी, तो हम तो नज़दीक जाएंगे ही, कतार लगाएंगे ही, कहीं हमें भी मैया का चरण मिल जाए, कहीं हमें भी मैया देखने मिल जाए, ये करके। अब उतरेंगे और ये है वहीं का पंडाल के सामने का सजावट, ध्वजा तीन रंग से, उसके दोनों माता को यहाँ पे बिठाएंगे और बड़ी माँ भी है उनको भी बिठाएंगे। दोनों गाड़ी इधर है और मूर्ति जो प्रतिमा वाली है वो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे उतरने की बारी है, तो उससे पहले जो कमांडो रहते हैं, बाउंसर रहते हैं, जो सिक्योरिटी रहते हैं, वो हो जाते हैं अलर्ट, पूरे हाथों से घेरा लगा लेते हैं। इसी पब्लिक के वजह से, आम जनता के वजह से आज की डेट में कुंवारी माता कहीं निकलने के लिए सोचती है कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, पब्लिक इतनी आ जाती है, बिना अपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लोगों को लिए हुए कहीं नहीं जा सकती। वो नाम कमाई है भाई, माता है तो ऐसा तो होगा ही। तो चलते हैं, अब माता रानी आने वाली है यहाँ पे, और ये हैं सारे कार्यकर्ताएं जो बिजी हैं, और किस चीज़ में बिजी हैं वो भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ, है ना। मंदिर के अंदर अगर माता रानी लोगों को, जो कुंवारी माता और रायपुर वाली माता जो आई है, उनको अगर मंदिर के अंदर ले जाते हैं तो पब्लिक वो जो पंडाल बनी ना दंतेश्वरी मंदिर, उसको तोड़ डालेंगे। एक ये टेंशन, दूसरा अब माता लोगों को कहाँ बिठाएं, कैसे पूजा करें, क्या करें, पब्लिक इनको छोड़ेंगे नहीं, ये दूसरा टेंशन। अब
उसके बाद में कितने देर तक रखेंगे, जब तक माता को यहाँ रखेंगे तब तक पब्लिक यहाँ पे लगी ही रहेगी और उनके दर्शन करने के लिए आते ही रहेंगे। ऐसे में पूरी रात निकल जाएगा लेकिन माता को नहीं छोड़ेंगे। तो इन इन कंडीशन को सोचते हुए उन लोग सोचते हैं कि यही मंदिर के बाहर में हम लगा देते हैं चेयर और उस चेयर में बिठा के आरती कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उनके बाद में उनको बारी बारी से मंदिर के अंदर ले जाएंगे और दर्शन करा के लाएंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर रवाना करेंगे क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और भाई भोजन का व्यवस्था भी तो करना है, तो इस वजह से यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा। तो अब उतर जाएंगे कुंवारी माता और मंदिर के सामने में ही बैठ जाएंगे। तो आरती पूजा कर लिए हैं, जो भेंट वगैरह मंदिर में जो चढ़ाना है उसको चढ़ा लेते हैं और बैठने के लिए यहाँ पे रायपुर वाली माता, फिर कुंवारी माता और कात्र वाली बड़ी माता तीनों बैठ जाते हैं। फिर उनका पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप करते हैं, हल्दी कुमकुम टीका सिंदूरी सारी चीज़ को जिन समितियों वाले लोग हैं उन लोग करते हैं। एक बात बता दूं, समिति में एकता होना बहुत ज़रूरी रहता है। आपके ही एकता के वजह से सारे पब्लिक बने रहते हैं, पूरी व्यवस्था जमी रहती है। तो यहाँ पर दिखा मेरे को एकता और उनको एक टेंशन भी रहता है किसी चीज़ में कमी ना हो जाए, किसी तरफ से पब्लिक का कोई आवाज़ ना आए, ये नहीं किया वो नहीं किया, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है यार। हम एक मिनट में बोल देते हैं कि ये समिति वाली ये ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, लेकिन जब उन लोग व्यवस्था बनाए रहते हैं, प्रोग्राम करवाने का सोचते हैं और प्रोग्राम को करवाते हैं तो किन किन कंडीशन का, किन किन समस्या को झेलना पड़ता है, पार करके आगे बढ़ना पड़ता है, वो केवल और केवल समिति वाले ही जानेंगे। हम एक आम आदमी हैं, हम आम जनता हैं, केवल हम बुराई निकालने के लिए हैं, हम कभी किसी का अच्छाई कर ही नहीं सकते। बस जैसे हम जाते हैं किसी पंडाल पे, दो मिनट में मूर्ति को नुक्स निकाल देते हैं, उनकी आंखें छोटी है, उनके कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उसी प्रकार पंडाल पे जाते हैं तो इनकी सजावट अच्छी नहीं दिख रही, इनकी लाइटिंग अच्छी नहीं दिख रही है। किसी भंडारे में जाएंगे तो सब्जी का नमक कम था, हमें चावल नहीं मिला, हमें दाल नहीं मिला, हम मतलब नुक्स निकालने ही वाले हैं, कभी हम किसी की बड़ाई नहीं कर सकते। ये एक मनुष्य का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि निगेटिव पॉइंट है मैं नहीं जानती, लेकिन हर किसी के साथ में होता है। अभी इन समिति वाले लोग 9 दिन तक बड़े अच्छे से रहेंगे, वही जैसे 10वां दिन होगा सब चीज़ की बातचीत होगी, खर्चे वर्चे का हिसाब बात होगा तो उसमें एक शुरू हो जाएगा, ये नहीं हुआ था वो नहीं हुआ, इतना पैसा हुआ उतना पैसा हुआ, बहुत सारे सुनने पड़ते हैं। और ये एक समिति की बात नहीं है, हर समिति की बात है, हर जगह की बात है, हर गांव की बात है और ये हर साल की बात है। तो ऐसा होता है समिति का काम, कहीं समिति के थ्रू से लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा जिला, और वही कहीं समिति में अगर एकता नहीं हुआ तो वो टूट जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। तो अगर हो सके तो हमेशा हर चीज़ में एकता बनाए रखिए, हर काम को एकता से, हर चीज़ को पूछताछ के, बातचीत करके आप काम को आगे बढ़ाएंगे, सोचेंगे तो ज़रूर वो सफल होता है और कभी कोई चीज़ में नुकसान नहीं होता, ना ही आपकी एकता टूटेगी, ना ही कभी आपको किसी चीज़ की बुराई सुनने को मिलेगी। तो इस तरीके से रहा आज का हुड़ियारी का शोभा यात्रा में रैली, डांस और पूजा, आपका आशीर्वाद पाना, फिर रैली में घूमना, मौज मस्ती करना, फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, सब चीज़ आज का इतना रहा। अब उसके बाद में कल हो जाएंगे, कल के मतलब 3 तारीख को स्थापित हो जाएंगे माँ दंतेश्वरी इस मंदिर में। तो आइए आप सब भी बस्तर की महारानी माँ दंतेश्वरी का दर्शन कीजिए, जो हमारे शक्तिपीठ में एक नाम है, एक प्रचलित है, एक शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे माता लोग की सेवा के लिए हाथों में लिए हैं पंखा, मतलब सेवा के भी कोई
सीमा नहीं रहती कहाँ से कहाँ तक कर ले। अब उनको करेंट की डर नहीं है, किसी चीज़ की डर नहीं है और वो सेवा कर रहे हैं। ये होता है निस्वार्थ। अब अंदर चले जाते हैं मैया लोग और अंदर में दंतेश्वरी मैया का कर लेते हैं दर्शन, जो छोटा सा मंदिर में बना हुआ है उन्हीं का। तो क्या आपने किया है कभी दर्शन? मैं तो नहीं करी थी, मेरा फर्स्ट टाइम है। और गुड़ियारी के जो शोभा यात्रा है, रायपुर के घर घर वाले में जो पूजा पाठ है, उसमें भी मैं पहली बार आई हूँ। कुछ भी गलती हुआ होगा किसी भी वीडियो में, उसमें मेरे को माफ़ कर देना। मेरे को उतना ज़्यादा आता नहीं है, गलत बोली होंगी, गलत दिखाई होंगी, तो उसके लिए आप सबसे मैं मांगती हूँ माफ़ी। छोटी बच्ची छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। और माता रानी की तो छोटी सी बेटी हूँ, तो माता रानी मेरे को माफ़ कर देना कुछ भी गलत बोली होंगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रायपुर के ही में। जय माता।